तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में चतरा, पलामू, कोडरमा और गोड्डा सीट पर यहाँ पर ताज ठोकेगा राजद। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मीटिंग भी बिठाई गई थी और जहाँ पर काफी गणमान्य लोग जो है वो काफी बड़े बड़े नेता जो है वो इसमें शामिल हुए थे और यहाँ पर विचार विमर्श हुआ और उनके बाद और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है भारतीय जनता दल झारखंड की तरफ से। देख सकते हो कि यहाँ पर झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय रांची में यहाँ पर गोड्डा के पूर्व विधायक और झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ पर प्रधान महासचिव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान यहाँ पर दावा ठोकते हुए कहा है कि राज्य की 4 सीटों पर राजद का दावा मजबूत है। कोडरमा, गोड्डा, चतरा और पलामू सीटों पर यहाँ पर पार्टी अगले लोकसभा चुनाव के दौरान ताल ठोकेगी। वैसे इस मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही अंतिम फैसला लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान गोड्डा के अलावा यहाँ पर पैठैया हाट सीट पर भी पार्टी लड़ने को तैयार है। साथ ही यहाँ पर राजद छोड़ने के सवाल पर इसे भ्रामक खबर बताया है। कहा कि वे राजनीति छोड़ सकते हैं लेकिन राजनीति से संन्यास ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल को कभी नहीं छोड़ सकते। एक मीडिया चैनल में चलाई गई एक खबर यहाँ पर प्रधान महासचिव कर सकते हैं पार्टी को बाय बाय का यहाँ पर खंडन करते हुए कहा है कि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ होता है। इस तरह की खबर चलाकर किसी की भी छवि धूमिल करना ठीक नहीं है। संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद से यहाँ पर राजनीति के साथ पारिवारिक संबंध है। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर भाजपा द्वारा दुष्प्रचार करवाया जा रहा है जिसे वे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह पार्टी को कमजोर करने और तोड़ने की यहाँ पर साजिश है लेकिन राजद के सभी नेता जो है वो कार्यकर्ता तटस्थ हैं और यहाँ पर एकजुट भी है, कभी कोई तोड़ नहीं सकता और सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने नेता और यहाँ पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर आस्था और यहाँ पर विश्वास भी है। तो इस तरीके की बातें भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं। जोहार।